नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद मनकर आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो जो कि आप लोगों के लिए मेल करना। मैं आज आपको बताऊंगा कि मेल किस प्रकार किया जाता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। ये देखिए जीमेल आप खोलिए, जिस पर अभी मेरा नेट स्लो है थोड़ा। ये देखिए ये जीमेल ओपन हो चुका है। अब इसमें आपके लिए क्या करना है, ये बगल में एक आइकॉन गोल जो दिख रहा है उसको, उसके ऊपर आप क्लिक करिए। इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें फ्रॉम में अपना ईमेल आईडी आ रहा है, ऐसे ही ये टू मतलब किसको भेजना है, तो उसमें आपको उसका नाम लिखना है जिसको आप भेजना चाह रहे हैं, उसकी ईमेल आईडी इसमें टाइप करनी है। जी देखिए दोस्तों, मैंने ईमेल आईडी टाइप कर दी है और इसके बाद हम इसका सब्जेक्ट टाइप करेंगे, कुछ भी जो आप लिखना चाहते हैं। इस कंपोज मेल में आपको मेल के रिगार्डिंग जो आपको भेजना है उसके बारे में आप लिखेंगे। मैं इसमें लिख देता हूँ, प्लीज फाइंड टैच। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना, इसमें अगर किसी PDF फाइल, वर्ड फाइल या कोई भी डॉक्यूमेंट को आपको अटैच करना है तो उसके लिए आपके लिए ये अटैच पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ से अटैच फाइल पर क्लिक करिए। और इमेज पे जाइए, यहाँ से अपनी जो भी फाइल है आपकी उस पर उसको सिलेक्ट करिए। इसे मैंने ये सिलेक्ट किया और ये ले लिया, ये इसमें अटैच हो गई है फाइल। अब इसको मैं सेंड कर दूँगा, ये एक एरोप्लेन टाइप का, हवाई जहाज टाइप का बना हुआ है, इस पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए दोस्तों, ये सेंडिंग मैसेज लिखा आने लगा है, ये फाइल अब आपकी सेंड हो चुकी है। उसके बारे में आपको देखना है कि सेंड हो चुकी है या नहीं, उसके लिए आप इसके इस पर क्लिक करिए और इसके बाद आप इसकी सेंड मेन्यू पे क्लिक करके देखिए कि ये सेंड हो चुकी है या नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, ये सेंड हो चुकी है, ये सब्जेक्ट भी लिखा आ रहा है जो मैंने सब्जेक्ट डाला था। इस प्रकार हम अपनी किसी भी फाइल को या स्कैन करके किसी भी अपने डॉक्यूमेंट को आप भेज सकते हो इस मेल के द्वारा। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप ज़रूर मेल करिए, सब्सक्राइब करिए और बगल में जो घंटा है उस पर क्लिक करिए। बाय दोस्तों।